अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 व्हीलर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 फेमस बाइकर्स, और ये स्टंट राइडर होंगे। तो भाई बड़ी खतरनाक स्टंट्स होने वाले हैं, और मुझे स्टंट देख के ना बड़े अजीब सा डर सा लग जाता है यार। मीन्स कॉन्फिडेंट होता है उन लोगों में, बट हम लोगों को देख के ऐसा होता है कि हाय कुछ हो ना जाए। तो चलो देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या उन्होंने धांसू से स्टंट किए होंगे। देखना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। टॉप 5 व्हीलर इन पाकिस्तान। नंबर 5, कामी बच्चा। अरे बाप रे, मेरे को ना ये सब देख के बहुत डर सा लग जाता है। यार इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। नंबर 4 पर ये है पीको के, उसका तो टायर ही नहीं था आगे। इतना स्मूथली लोग चलाते हैं। ये तो पूरा झूल है उसको राइड बना के। बैठा किधर है यार वो, और ना हेलमेट ना कुछ, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन कुछ नहीं लिया हुआ यार। ओ भाई साहब, ये तो एक्सरसाइज कर रहे थे। अब्दुल्ला सिंह जना नंबर 2 पर। Stranded in the open, dried out tears of sorrow. आज इसका हिस्सा ही मतलब उड़ा रखा है। नंबर 1, ये क्या था? ये इनविजिबल बाइक है, मैं तो उसको इनविजिबल बाइक थे। हमारे टॉप 5 व्हीलर इन पाकिस्तान, और ये बाइकर्स थे, बाइक राइडर्स थे, और इनके स्टंट OMG यार। एक बात सोचने वाली है, कितना भी स्टंट करो बट एक चीज़ है कि कोई सेफ्टी वगैरह के साथ करो। और ठीक है, स्टंट करने का भी अपना एक पैशन होता है लड़कों के अंदर, शौक होता है, शौक को बरकरार रखो, बट एटलीस्ट उसके साथ थोड़ा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। लाइक कोई भी ग्लव्स नहीं लिए हुए, हाथों में इतना कुछ पहनने को आता है, मतलब बाइक राइडिंग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ताकि खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके, और कोई हेलमेट वगैरह भी नहीं लिया हुआ। यार मैं जैसे स्टार्टिंग मैंने बोला ना, करते वो लोग हैं स्टंट और डर हमें लगता है देखकर, वही सेम चीज़ हो रही थी इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा रिस्की था यार, मतलब ठीक है ट्रेंड है, लेकिन थोड़ा सा हेलमेट वगैरह भी अगर वो पहन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार हादसा होते देर नहीं लगती, एक हल्की सी भूल चूक से ही ना बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं। हालाँकि इनकी मतलब अप्रिशिएट मैं करना चाहूँगी, यार कितना कॉन्फिडेंटली वो लोग जो है राइड कर रहे थे। आगे का हिस्सा ही गायब है, मतलब उसे मैं बाइक बोलूँ या कोई भूतिया बाइक मैं बोलूँ, क्योंकि वो इनविजिबल बाइक थी, वो मुझे तो उसका आगे का कुछ भी हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था। उसको स्टार्ट ही कैसे किया होगा मैं तो ये सोच रही हूँ। और एक तो था वो ऐसा लग रहा था बाइक चला नहीं रहा, बाइक के ऊपर वो एक्सरसाइज टाइप ऑफ कर रहा है। बहुत यार बड़े ही रिस्की थे जितने भी सारे। हाँ सो ये सब तो यार यही लोग कर सकते हैं, उनको ना प्रैक्टिस में रह रहे के ये सब करने की आदत हो चुकी होती है। बट प्लीज़ हाँ, कोई ऐसे इसको ट्राई मत करना, बिकॉज नॉर्मल लोगों के बस का नहीं है, ये सब बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। कि मैं ये कहूँगी कि टैलेंट तो है नो डाउट, वो उनके अपने हाथ की कला है जो नज़र आ रही है। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अगले किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।